लेंथ को ले सकते हो। अब मैं बात करता हूं हाइट की, डेप्थ की, ठीक है, डेप्थ लेते हैं। तो भाई डेप्थ होती है एन इंटू टी, ठीक है, टी इज द वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट की जो वॉल थिकनेस होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो एच, एच इज इक्वल टू एन इंटू टी, तो जैसे मान के चलो पीपी का मटेरियल है, पीपी का मटेरियल, तो यहाँ पर कितना लेंगे भाई 0.7 इंटू टी। टी क्या है? वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट की क्या है भाई 2 mm है, कितना हो गया एच इज इक्वल टू टेल मी 1.4, वी कैन टेक 1.5, क्लियर हुआ है ना। अब उसके बाद देखते हैं, देखो भाई विड्थ लेना है तो हमारा एच निकल गया है, तो विड्थ कितनी लेंगे 2 into h, तो कितना हो गया विड्थ इसकी 3, 2 into h, h इज द 1.5 इंटू टू कितना हो गया 3 हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है फॉर द बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना समझ में आया अभी, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या है, कोई भी वैल्यू देखते हैं तो हम लोग क्या स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, वर्जिन मटेरियल के हिसाब से देखें। अभी जैसे मान के चलो, अभी एक और चीज बताता हूं मैं आपको, देखो यहां पर ये जो आपको दिखाना ना गेट, गेट कैसे लेंगे, देखो गेट क्या है सबसे छोटी वैल्यू होती है, मैं आप बोल सकते हो 1 mm, 2 mm, 3 mm, इतनी गेट वैल्यू होती है, राइट। अब मैं एक पार्टिंग लाइन बनाता हूँ, देखो ये एक पार्टिंग लाइन है, ठीक है, मेरे पास एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ये एक कंपोनेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक कंपोनेंट है, क्लियर है। अब मुझे इसका एक रनर क्रिएट करना है, मैंने एक रनर क्रिएट कर दिया भाई, ये इसका रनर है, ये रनर है, ये यहां तक रनर, क्लियर। तो अब मैं इसका गेट बनाऊंगा, देखो गेट क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया भाई, इसका गेट हो गया, ये इसका क्या हो गया, गेट हो गया, है ना। अब इसको है ना एक ही साइड बनाऊंगा, और मैं क्या करूंगा इसको यहां से लेकर यहां तक का इस तरह से फेस से मिला दूंगा, मतलब ये जो गेट हुआ वो क्या हुआ, ये सिर्फ कैविटी साइड पे हुआ, गेट कहां हुआ भाई, सिर्फ कैविटी साइड पे। मैंने ऐसा क्यों करा, ताकि ये जो गेट अगर मैं कोर साइड पे भी बना दूंगा ना, तो ये एक दूसरे में क्या हो सकता है भाई, मिसमैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला गेट है कोर साइड पे, और ये वाला गेट कहां पर है, ये वाला गेट कहां पर हो गया, कैविटी साइड पे हो गया, तो ये क्या हो गया भाई, मतलब हमको जो एरिया मिला, वॉल्यूम मिला, वो हमको सिर्फ इतना वॉल्यूम मिला, क्लियर, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने क्या करा भाई, मैंने गेट को सिर्फ एक ही साइड पर बनाया, जिसको मेरे को, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरे को पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल रहा है मेरे गेट का, क्लियर हुआ। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ पीछे से डॉवल लगा सकते हो, ऑफ कोर्स, हाँ ऑफ कोर्स डॉवल का इस्तेमाल तो अच्छा है, अगर दो प्लेट को अगर आप जोड़ रहे हो तो भाई डॉवल का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखो फिल्म गेट है भाई, अब फिल्म गेट में वो सब चीजें एक जैसी हैं, यहाँ पर देखो लेंथ है 1 to 1.30 तक ले सकते हो आप फिल्म गेट की, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं एच की, तो इसके अंदर सिर्फ आपको हाइट ही लेना है, क्या लेना है भाई, हाइट ही लेना है, तो एच इज इक्वल टू एन इंटू टी, एन इंटू टी, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर पिन पॉइंट गेट, पिन पॉइंट गेट बेसिकली आप बोल सकते हो डायमेट्रिकल गेट बोल सकते हो, पिन पॉइंट गेट को क्या बोल सकते हो, डायमेट्रिकल गेट, ठीक है। तो इसमें क्या लेते हैं हम लोग, डायमीटर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरह से ऐसे बात करता हूं तो ये क्या आता है यहाँ पर, डायमीटर आता है यहाँ पर, है ना। तो ये डी इज इक्वल टू एन इंटू टी, क्या आ गया हमारा डायमीटर, एन इंटू टी क्या आ गया हमारा डायमीटर, ठीक है। 0.7 इज द, 3 इज द वॉल थिकनेस, कितना होगा 0.7 इंटू 3 2.1, क्लियर हुआ, 2.1 विल बी द डायमीटर ऑफ द गेट, ठीक है। किसके लिए, पिन पॉइंट के लिए, थ्री जो हमने आपको अभी एक ट्रे का बताया था ना, उसके लिए, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो और यहां पर देखते हैं ओवरलैप गेट, ठीक है। ओवरलैप गेट के लिए जो मैंने आपको यहां पर फॉर्मूले बता रहा हूं उसी को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं ये वाले फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल बॉटम डायमंड, बिल्कुल, हाँ इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, ये पिन पॉइंट गेट को आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक का इसका इस तरह से रनर बनाया है, क्लियर है। फिर उसके बाद ऐसे करके गेट बना सकते हो,
चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हुआ? वेरी कर दिया। देखो बेसिकली मान के चलो आपके कंपोनेंट में हमेशा थिकनेस पूरी तरह से वेरी नहीं करेगी। अगर पूरी तरह से कंपोनेंट में अगर वेरी करेगी ना थिकनेस, इसका मतलब वो कंपोनेंट के अंदर डिफेक्ट है। देखो ये कंपोनेंट है आपके पास, ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट। अब मैं कंपोनेंट की बोलता हूँ कि ये इस तरह से इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मान के चलो यहाँ पर इसका कितना है भाई 2 mm है, यहाँ पर है आपका 2.2 mm, यहाँ पर कितना है आपका भाई, यहाँ पर है 2.5 mm, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो कि जरूरी है, मान के चलो कंपोनेंट में नीडेड है कि जरूरी है, तो क्या करोगे आप 2.5 + 2.2 + 2, ठीक है, 2 डिवाइड बाय क्या करोगे 3, कितना हो गया भाई बताओ मुझे, व्हाट विल बी द एवरेज, टेल मी। ठीक है 2.2 समथिंग आया, जो भी एवरेज रहेगा ना वो एवरेज आप इसके अंदर डाल लो। लेकिन याद रखना कि मान के चलो आपके पास कोई बड़ा सा कंपोनेंट है, उस बड़े से कंपोनेंट में जैसे कि मान के चलो ये कंपोनेंट, तो उसके अंदर रिब वगैरह आ रही है, इस तरह से रिब आ रही है, रिब और गसेट्स आ रहे हैं, तो भाई जहां पर रिब और गसेट्स आ रही है ना वहां पर तो उसकी वॉल थिकनेस ज्यादा होगी ऑब्वियसली, वो तो बात है, वो तो होगी ही होगी, उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो वॉल थिकनेस रहेगी ना हमेशा किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी प्लास्टिक के कंपोनेंट में यूनिफॉर्म होती है। अगर वो डिजाइनर है जिसको टूलिंग का नॉलेज है, टूल डिजाइन का नॉलेज है, मोल्ड डिजाइन का नॉलेज है, तो वो हमेशा उस कंपोनेंट की वॉल थिकनेस को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, नहीं तो डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे भाई, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, क्लियर हुआ, है ना। अब यहां पर मैंने आपको बताया फैन गेट, देखो भाई फैन गेट, फैन गेट के अंदर क्या करना है, जो भी आपका रनर का डायमीटर निकलेगा ना, रनर का डायमीटर मान के निकला आपका 5 निकला, तो आपका जो इसका विड्थ होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा रनर के डायमीटर से दुगना, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, क्लियर है, है ना। इसकी थिकनेस कैसे लेंगे भाई, एन इंटू टी, ये है इसकी थिकनेस, थिकनेस एन इंटू टी, और ये आपका क्या बन गया फैन गेट, क्लियर हुआ, समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्रू पुलर भाई किस काम आता है, स्क्रू पुलर मैंने आपको बताया था, टेल मी, कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा क्योंकि मैं बता चुका हूं व्हाई वी यूज द स्क्रू पुलर, स्क्रू पुलर का इस्तेमाल भाई क्यों करते हैं हम लोग। हाँ, तो वो बेसिकली स्क्रू पुलर क्या है भाई, किसी भी चीज को खींचने का काम आता है। अब देखो यहाँ किसी भी जैसे कंपोनेंट को उधर तरफ खींचने का काम आएगा, जैसे मान के चलो मैं आपको एक और स्क्रू पुलर बताता हूँ। देखो मैंने अभी आपको है ना यहाँ पर ये दिखाया था, देखो इसके अंदर देखो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है भाई, ये भी तो स्क्रू पुलर है। ये स्क्रू पुलर क्यों काम कर रहा है, ये इसको कैविटी साइड पे खींचने का काम कर रहा है, किसको भाई, ये वाले पोर्शन को, आया समझ में। देखो ये रनर को किधर करने की कोशिश कर रहा है, वो इस साइड पे रखने की कोशिश करेगा, वो किस साइड पे, इस प्लेट के साथ रखने की कोशिश करेगा, इसको तोड़ के, ये तो तोड़ देगा, ये तो प्लेट तोड़ देगी इसको, फिर ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, है कि नहीं, क्लियर हुआ, ताकि वो उस प्लेट के साथ लगा रहे, उस प्लेट के साथ लगा रहे, इस कारण से क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही कंपोनेंट के अंदर भी हम लोग स्क्रू पुलर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कंपोनेंट कोर साइड पे क्या रहे, चिपका रहे, ठीक है। सिंपल सा गणित भाई, स्क्रू पुलर बेसिकली क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक इजेक्शन, वो इजेक्टर पिन है, ये जैसे इजेक्टर पिन है, इजेक्टर पिन सेंटर से इजेक्टर पिन को क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से कट दे देंगे, एक इस तरह से क्या दे देंगे, एक कट दे देंगे, और एक कट को दे देंगे, और ये वाले कट को यहां से रिमूव कर देंगे, यहां से इसको रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, इस पोर्शन के अंदर मटेरियल भर जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल, इसके अंदर जब प्लास्टिक मटेरियल भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अटक जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, अटक जाएगा भाई, ये प्लास्टिक मटेरियल भर गया ना इसके साथ, ये देखो ये प्लास्टिक मटेरियल भर गया जब इसके साथ, तो ये क्या हो गया, इसके साथ अटक गया। अब ये कब वापस निकलेगा बाहर, जब ये जो इजेक्टर पिन है जब बाहर निकलेगी तब, क्लियर हुआ, ठीक है, जब इजेक्टर पिन जब बाहर निकलेगी ना भाई, तब निकलेगा उसके साथ वो, ये देखो इसके अंदर देखते हैं, ये रहा,
ठीक है, सबसे जो सिंपल सा है ना स्क्रूपुलर वो बनाओ जेड शेप का, ठीक है, डोंट वरी हम लोग क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग द मल्टीकेविटी मोल्ड। चलो समझ में आया सभी को, है ना? ठीक है भाई, नोट्स बनाते रहना भाई। हाँ बताइए। किस चीज में पूछ रहे हो, वेरिएंस किस चीज का वेरिएशन आता है बताओ। ऑफ कोर्स, देखो भाई कभी कोई मटेरियल है आपके पास, ये मटेरियल है फॉर एग्जांपल, ये मटेरियल, इस मटेरियल को आपने हार्डनेस के लिए दिया है ना, गर्म करा भाई, गर्म करने के बाद वो ठंडा होगा, गर्म करने के बाद ठंडा होगा तो ऑब्वियसली नहीं बात है कि वो श्रिंक करेगा, है कि नहीं श्रिंक करेगा। पड़ेगा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जब आप इसको डबल ग्राइंडिंग करना पड़ती है फिर हमको उस मटेरियल को, डबल ग्राइंडिंग इन द सेंस क्या होता है कि भाई पहले तो आपने जब उसको हार्डनेस दी, उस हार्डनेस के पहले आपने उसको ग्राइंड करवा लिया, उसके बाद जब आपने हार्डनेस प्रोवाइड करी तो उससे पहले आपने इसके ऊपर कुछ स्टॉक छोड़ के रखा है, मटेरियल छोड़ के रखा है, ताकि अगर इसके अंदर वॉर्पेज डिफेक्ट आता भी है तो क्या होगा, वो ग्राइंडिंग में चला जाएगा। अब वॉर्पेज मतलब ऐसा नहीं होता कि मान के चलो 5 mm 6 mm उसके अंदर वॉर्पेज आ गया, हाँ वो माइक्रोन में होता है, किसमें होता है भाई, माइक्रोन में। तो फिर हाँ पॉइंट वन नहीं, किस डिपेंड करता है कि भाई आपकी कोर ग्रेविटी किस चीज की है और आप उसके डायमेंशन कैसे हैं, ऐसा नहीं अपने मन से नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट वन बहुत कम हो जाता है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी, उस ब्लॉक के पहले आपको और भी डायमेंशन देने पड़ेंगे, डिपेंड करता है कितने कोर कैविटी किस चीज की है वो चीज, एकदम ऐसे कभी ऐसे जब तक देखो भाई डिटेल नहीं पता चलेगी तब तक उसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, राइट। नहीं 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 माइक्रोन में होता है, मान के चलो 20 से 25 माइक्रोन तक का मैक्सिमम वेरिएशन होता है। हाँ बताइए। जी जी बिल्कुल। तो देखो गेट का वेरी होगा ना, हम लोग अभी आप लोगों ने हम लोगों ने वर्जिन मटेरियल के लिए गेट सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि आपकी गेट की जो विड्थ है फॉर एग्जांपल, ये जो हाइट है एच, एच इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 mm, उसकी क्या है वॉल थिकनेस है, ठीक है, तो 1 × 0.7 कितना हो गया, टेल मी 0.7। अब 0.7 का 30% बताओ कितना होगा, हाँ जो भी है मान के चलो है ना जो ठीक है लिख लो 1.2, बस हो गया ये आपका गेट हो गया, है ना, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता भाई, उसका 30% ऐड करोगे तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको गेट में भी उसके अंदर करना पड़ेगा। जब भी हम लोग बात करते हैं ना यहाँ पर, तो हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वर्जिन मटेरियल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा बेस क्या है भाई, प्लास्टिक मटेरियल का वर्जिन मटेरियल, क्लियर है। किसमें नहीं ऐसा नहीं होता, देखो भाई हाउसिंग है और हाउसिंग में अगर आप ब्लॉक को अगर मान के चलो इसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है, तो पहले तो उसमें रिलीफ फोल्ड डालना पड़ेगा आपको, क्लियर है, रिलीफ फोल्ड डालना पड़ेगा, इंसर्ट को डाल रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट, रिलीफ फोल्ड डालोगे, है ना, आपका जो ये वाला फेस होता है ना, ये वाला फेस, ये जो ग्रीन वाला बता रहा हूं मैं, ये फेस होते हैं भाई, ये फेस है ना आपके, है ना, S7 और P6 में बनते हैं। S7 और P6 मतलब होता है प्रेसपिट, किस में बनते हैं भाई, प्रेसपिट में बनता है, ठीक है, ताकि ये क्या है, ये हाँ ये प्रेसपिट में बनेंगे भाई, तभी तो एक दूसरे के साथ सेंटर अलाइन हो सकते हैं, तभी तो सेंटर अलाइन होंगे, क्लियर है।
नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता भाई, वो तो स्किल लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको S7 और P6 की वैल्यू निकालना पड़ेगी पहले वहां पर, और वहां पर उसका क्या देना पड़ेगा, टॉलरेंस देना पड़ेगा विद द बेस डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसका बेस डायमेंशन कितना है भाई, इसका बेस डायमेंशन 50 है, इसका बेस डायमेंशन कितना है 50 है। उस बेस डायमेंशन के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, S7 और P6 की वैल्यू देंगे, है ना, मेल और फीमेल के लिए, और उतने ही टॉलरेंस में हम उसको क्या करेंगे बनाएंगे। क्लियर है? नहीं, क्यों नहीं दिक्कत है भाई, एक बार बताओ, 50 माइक्रोन आपने मन से कैसे बोला कि 50 माइक्रोन छोड़ देंगे, ये कैसे होता है बताओ, टेल मी। ऐसा होता ही नहीं, कभी कभी नहीं होता ऐसा भाई। ठीक है, अब कल के लेक्चर में मैं आपको, मुझे याद दिलाइएगा कि आई की एक वैल्यू होती है, आई की एक वैल्यू होती है, ठीक है, तो आई की वैल्यू 0.43 और इस तरह से कुछ, मतलब पूरी वैल्यू होती है, वो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसके हिसाब से है ना सभी बेस के लिए एक चीज होती है। S7 और P6 के लिए फॉर एग्जांपल क्या होता है, 16i होता है, S7 G6 के लिए 16i, तो आई की वैल्यू हम लोग इसके अंदर पुट करते हैं, और हमको क्या है उस बेस डायमेंशन के ऊपर क्या मिलता है, एक एक टॉलरेंस मिलता है, 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, वो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर एड करते हैं। देखो टॉलरेंस चार्ट बोलते हैं ना, हाँ मैं कल बताता हूँ, कल बताऊंगा, ओके, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कल बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, क्योंकि ये क्या है S7 P6 फिटमेंट वगैरह ये सब चीजें क्या है, एक अलग डिफरेंट लेवल की है। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये JDNT का लेक्चर एक अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको डोंट वरी एक ऐड करूंगा JDNT का लेक्चर, ओके। नहीं वो ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे 100 का डायमीटर है, 100 के डायमीटर के लिए मुझे बताओ S7 की वैल्यू कितनी निकलेगी, S7 और G6 की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी। हाँ ये आप वेस्टर्मन टेबल से स्टैंडर्ड देख लोगे, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे क्या? हाँ बिल्कुल, तो वो स्टैंडर्ड जो है ना वेस्टर्मन टेबल में हम इंजीनियरिंग में देखते थे, वो एक अलग चीज होती है, हम लोग उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई, हमको पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं ये। हाँ हाँ कल बताऊंगा, श्योर श्योर, मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है, कल मैं इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। और लेकिन कल से हम लोग भाई मल्टी कैविटी मोल्ड डिजाइन करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्यों भाई, VMC तो 10 माइक्रोन में भी कर देती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम मशीन क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको पहले बोलूं कि रफिंग करना है, आपको पहले रफिंग का प्रोग्राम बनाना है, तो रफिंग के प्रोग्राम के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक छोड़ना पड़ेगा रफिंग के लिए पहले थोड़ा सा, है ना। रफिंग करोगे, रफिंग करने के बाद फिर आप फिनिशिंग के लिए रिमर चलाओगे, है ना, रिमर चलाने के बाद ही तो आप इसे वहां से निकालोगे। क्योंकि अगर मान के चलो आपने, मान के चलो 20 का डाया बनाना है, तो 20 का डाया बनाना है तो 20 का अगर डायरेक्ट आपने होल करा तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाएगा और यहाँ पर इसका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, पता चला कि इसके अंदर क्या इंटोल आउटटोल हो गया, है कि नहीं। अरे ऐसा नहीं होता भाई, आप कहाँ से क्वेश्चन लाते हो आप, ये क्या लिख के रखे क्या आपने। ना वो तो ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है कि भैया फिर से एक सीढ़ी बनाना पड़ेगी आपके लिए, देखो भाई, ठीक है ठीक है। कहां पर हो अभी अपन, अपन अभी अभी सेकंड सीढ़ी पे हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा यहां तक जाने में, है ना। चलिए ठीक है, चलो कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, चलिए ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।